एनडीए के विजय सिन्हा बने बिहार असेंबली के स्पीकर। हाउस में भारी हंगामे के बीच विजय सिन्हा के पक्ष में 126 विधायकों ने दिया वोट। विधानसभा स्पीकर बनने पर विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी बधाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए बधाई देता हूं। जेल से सीधा विधानसभा पहुंचे एमएलए अनंत सिंह ने ली विधायक पद की शपथ। मोकामा से विधायक हैं अनंत सिंह। अरे यार क्या बोले, कभी होगा बोले। अरे यार तू तो सरकार तो जनता बना दिया, यहां डकैती चोरी करके सरकार उल्टा बना दिया। अरवल जिला अंतर्गत कलेर बाजार में पटना से औरंगाबाद जा रहे राजद एमएलसी रामबली का महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इस दौरान एमएलसी रामबली ने नीतीश सरकार पर जमकर कसा तंज। और संपूर्ण देश के लोगों ने देखा कि बिहार के चुनाव में किस तरह से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मिली भगत से और जो इनके गृह मंत्री हैं अचानक आए और इस तरह से जनादेश को उन्होंने प्रभावित करने का काम किया। तो जनता ने तो अपना जनादेश सुना दिया कि महागठबंधन के पक्ष में सरकार बनी है। आज जहां भी आप देखिएगा, चुनाव के दरमियान भी दिखाई पड़ रहा था कि लोगों में ज़बरदस्त बदलाव की मंशा थी और वो चुनाव परिणाम में भी परिलक्षित हुआ। लेकिन जब जोड़ तोड़ कर करके और बेईमानी करके के ये एनडीए की सरकार बनाने का काम किया और इसका परिणाम है कि आज सरकार चल नहीं रही है। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार आरा मिल चौक के नरियार रोड में मंगलवार रात घटी बड़ी घटना। बता दे चोरों ने सोना चांदी की दुकान में शटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गया में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद आर के सिन्हा ने बिहार में चल रहे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर सभी दलों को दी नसीहत। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया, अध्यक्ष का चुनाव है आज, शक्ति परीक्षण तो होगा ही। जब भी बहुमत ज्यादा नहीं रहती है तो शक्ति परीक्षण की गुंजाइश रहती है, लेकिन पिछले दो दिनों से जो भी देखने में आ रहा है उससे मैं दुखी हूँ। वो प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अरवल के कल्याणपुर मोड़ पर ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल में हुई भीषण टक्कर। घटना में दो व्यक्ति बुरी तरह हुए घायल। घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज।